आज फसल नंबर 16 में भी हजरत ने एक खास नमाज और उसकी दुआ का जिक्र फरमाया है, जिसको नमाज इस्तिखारा कहते हैं और दुआ इस्तिखारा कहते हैं। ये भी बड़ी अहम नमाज है और इससे आदमी के बड़े बड़े पेचीदा मसाइल हल होते हैं। बाद मर्तबा आदमी किसी अहम काम के करने न करने के बारे में मुतरद्दिद होता है और ये फैसला करना मुश्किल होता है कि इसको करूं या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। दोनों पहलू ही उसको बार दफा अहम मालूम होते हैं, तो वो इस बात में मुतफक्किर होता है, परेशान होता है कि आया ये काम मैं करूं या न करूं। किसी एक जानिब उसका रुझान नहीं होता, तरद्दुद ही तरद्दुद रहता है। तो ऐसी सूरत में हमें एक नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और सिखाई है कि उसके पढ़ने से तरद्दुद खत्म हो जाता और उसमें जो दीन और दुनिया के एतबार से जो पहलू खैर का होता है, नफे का होता है, फायदे का होता है, बंदे का उसकी तरफ रुझान हो जाता है। अंदाजा करो कितनी बड़ी मुश्किल का ये कितना आसान हल है। मसलन बाज मरतबा रिश्ते के सिलसिले में आदमी को तरद्दुद होता है कि आया लड़के का या लड़की का ये रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अक्सर माँ बाप को इसमें तरद्दुद हो जाता है। ये दो रिश्ते सामने होते हैं और हर रिश्ते में ये फैसला करना मुश्किल होता है कि ये करूं या वो करूं, ये कबूल करूं या वो कबूल करूं, या यहाँ रिश्ता डालूं या वहां रिश्ता डालूं। आदमी मुतरद्दिद रहता है, हैरान रहता है, परेशान रहता है। तो ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि वो नमाज इस्तिखारा पढ़ के और अल्लाह ताला से दुआ इस्तिखारा मांग कर जिस तरफ उसका दिल झुक जाए और जिस तरफ उसका दिल माइल हो जाए बस उसे कर ले, इंशाल्लाह उसमें खैर होगी। इसी तरह कभी आदमी को सफर के अंदर तरद्दुद हो जाता है कि आया मैं सफर करूं या नहीं करूं, सफर में जाऊं या नहीं जाऊं, तरद्दुद हो जाता है, शुबह हो जाता है और एक तरफ दिल मुतमइन नहीं होता। कभी दिल चाहता है कि भाई चला जाऊं, कभी दिल ये कहता है कि न जाऊं। तो भाई उसमें भी मुस्तहब ये है कि आदमी नमाज इस्तिखारा दुआ इस्तिखारा पढ़ ले। ऐसी बात कारोबार आदमी शुरू करना चाहता है, कहीं दुकान खोलना चाहता है या कोई जॉब करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अब कुछ फैसला नहीं कर पाता कि करूं या नहीं करूं, ये भी अहम मौका है। तो ऐसे मौके पर नमाज इस्तिखारा से मदद लेनी चाहिए और तो नमाज इस्तिखारा दुआ इस्तिखारा करके जिस तरफ दिल झुक जाए और जिस तरफ दिल मुतमईन हो जाए बस उसको कर ले, इंशाल्लाह उसमें खैर होगी।